श्योता के ग्राम सभापति और ग्राम प्रधान राजाराम अवस्थी से, क्योंकि मामला एक अभी आपके वहाँ एक रामलीला मैदान पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, और मामला यह रहा कि वहाँ पर पहले से उस पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं और वो किसी संरक्षण में कर रहे हैं, और किस बात को लेकर आज विवाद उपजा, कितने दिनों से वो चल रहा है, और उसमें यहाँ तक कि लोग जुबानी कह रहे हैं कि उसमें कोई जो सरकारी महकमा पुलिस है वो उनका फेवर कर रही है, क्या कहना है, कैसे क्या विवाद हुआ, बताएं पूरी बात। फेवर कोई नहीं कर रहा, देखिए ये रामलीला मैदान पहले से है और रामलीला मैदान पर उन्होंने टीन चढ़ा ली है अनधिकृत रूप से, तो अब टीन चढ़ा लिया आज के कम से कम 8-9 साल पहले। तो आपने विरोध नहीं किया किसी? अब हम प्रधान नहीं थे और जनता ने विरोध नहीं किया? जनता ने विरोध किया, लेकिन उस समय प्रधान प्रधान था, अपना विरोध नहीं चला। कौन प्रधान था तब? अब अच्छा नहीं, किसके संग चढ़े? अच्छा, नंदराम के उसमें हुआ जी, बताएं किसके उसमें हुआ? अब हमको सही नहीं बोलना, आप सकवकार हैं, साफ बात क्यों नहीं बताते प्रधान जी? किसके साथ हुआ है? अरे आप वहाँ नहीं रहते हैं सेवता में क्या? अब सेवता में नहीं रहते हैं आप? सेवता में डेट थोड़े लिखा है कि प्रधान, ठीक है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि आपके वहाँ का रहा और रहा, ये तो आप अध्यापक रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमको ये क्लियर नहीं, झूठ कैसे कह दें? ठीक है, अब ये टीम ने जो चढ़ा ली तो किसके किसके उस प्रधानी में चढ़ाई गई है टीम? नंदराम प्रधान। अरे प्रधान जी आप नहीं बता रहे हैं, ये आप कौन है? अरे हम बता रहे हैं, हम क्लियर कर लेंगे तब बताएंगे ना, इससे कैसे बता। ठीक है, प्रधान दबक रहे हैं। हाँ, फिर आज क्या हम दबक वो नहीं रहे, ये सच्चाई ढूंढ रहे हैं। ठीक, बताए अभी इतने दिन से, कितने दिन से सेवता में रह रहे हैं आप? हम सेवता में तो रहे करीब 65 साल से, फिर भी अभी सच्चाई ढूंढ रहे हैं, बताए आगे क्या हुआ? अच्छा, आगे ये हुआ, जब टीन उन्होंने चढ़ा लिया, टीन चढ़ाने के बाद हमने कहा कि अब ये इंटरलॉकिंग लगा दिया, उसमें मीटिंग होती है और रामलीला होती है, तो इंटरलॉकिंग के लिए उसका प्रस्ताव हुआ, कार्य योजना बनी, इस्टीमेट बना। आज विवाद किस बात को लेकर उपजा? आज विवाद इस बात को लेकर बना, वही तो बता रहे हैं आपको, जब इंटरलॉकिंग लगने के लिए सेक्रेटरी ने भेजा मजदूर मिस्त्री को, तो मानधाता उसके लड़के पंकज लगाने नहीं दिया, वापस कर दिया। मानधाता उसका लड़का पंकज, इनका घर उसी जगह बिल्कुल उन्हीं ने टी चढ़ाई। ठीक बात, जब वापस कर दिया तो हमने कहा चलो ठीक है, विवाद नहीं करना है, चलो हम पुलिस में इसकी खबर करेंगे। फिर एसआई गए पांडे जी, सिपाही पांडे जी गए, तो अब बड़ा चाहला था उसके अंदर, तो कहा 25 को नहीं, वो चाहला कैसे हुआ? चाहला वो नापलान फेंक रहा है। अच्छा, उसे मेला उस मेला मैदान में मानधाता ने नाला खोल दिया जी, जी नाली खोला और गड्ढा भी खोद दिया, गड्ढा भी खोद दिया, ठीक, जिसका आपने विरोध किया? विरोध किया हमने विरोध किया, सिपाही बुलाए, दुर्गा जी ने कहा देखिए 25 को कार्यक्रम होना है, इसे मट्टी पाट दी जाए। 25 को कार्यक्रम कौन होना है? जागरण का। अच्छा, किसके द्वारा किया जा रहा है? बजरंग दल है और नव दुर्गा। अच्छा, नव दुर्गा के उसमें किया जा रहा है जी, जी। नवरात्रि में, ठीक, फिर आगे जब उसने आज मिट्टी पाटने जब गए तो आज कोई पुलिस तो थी नहीं, लेकिन जब जैसे मिट्टी पड़ी बस वहाँ की झगड़ा कर दिए, बवाल कर दिए, तब इधर भी 2-4 लोग थे। मिट्टी, आप तो प्रधान है, आप डलवा रहे होंगे सरकारी मिट्टी, हमारे उससे पड़ रही, ठीक, फिर आपसे विवाद कर दिया? हमसे विवाद नहीं किया, लिया हम तो सीतापुर गए थे, जो लोग गए थे मिट्टी डालने। विवाद किससे किया? बाबूराम से किया, प्रदीप से किया, मन्ना चस किया, ज्ञानेश से किया, तमाम लोग थे उसमें। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, उनसे किया, फिर मारपीट हुई? मारपीट, अरे मारपीट तो नहीं हुई, धक्का मुक्की हुई, मारपीट कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, जैसा कि वहाँ पे बताया गया कि जो है पुलिस भी मौके पे थी, उसके बावजूद भी मारपीट हो गई। अब हम तो सुन, हमारे जो आप मौके पर गए थे, मौके पर तो थे नहीं, सीतापुर गए थे, यहाँ सुनने में आया, यहाँ पे मामला विधायक जी के वहाँ आया, तो इसे यहाँ क्या निपटा? अब यहाँ तो ये बात थी हुई कि जो पहले तय हुआ था कि टीन के बाहर बाहर टीन सेट लगा दिया जाए, और टीन सेट के बाहर बाहर इंटरलॉकिंग लगा दी जाए, मिट्टी पाट दी जाए, कार्यक्रम हो जाए, उस पर कोई दुकान नहीं रखेगा, कोई खोखा नहीं रखेगा, कोई कब्जा नहीं करेगा, यही कागज लिखा गया। फिर उसने सुलह हो गया? अब सुलह का एक पक्ष ने साइन किया है और मानधाता पंकज ने साइन नहीं किया, वो भाग गया। अब भाग गए, अब दिखाई तो नहीं पड़े, मतलब कहते हम साइन करेंगे कागज लिखो। जो विधायक जी ने फैसला किया वो आप लोगों को मंजूर? हाँ, मंजूर है जी। लेकिन दूसरे पक्ष को नहीं मंजूर है, वो भाग गया। मंजूर होते तो साइन करते, नहीं तो आप थाने गए थे, फिर थाने में क्या फैसला? जैसे चर्चाएं बाजार गर्म है कि पुलिस वहाँ का फेवर कर रही है उसका, ऐसा नहीं, पुलिस फेवर कर रही है ऐसा कुछ नहीं, हमको समझ नहीं आता। तो उसने दस्तखत क्यों नहीं किया, यहाँ से भाग गया? अब वो कह के अब नहीं कह के आप साइन करें, जो नहीं किया तो नहीं, जी थाने जब गए थे तो एसओ ने क्या बताया उस पर? एसओ ने कहा कि भाई कागज साइन तो करना चाहिए था जब तय हो गया था,
तो जब उसने साइन नहीं किया तो पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की, इस पर क्या फैसला लिया? अभी तो कागज पहुंचा है। फिर ये बात विधायक जी से बताई आपने? हाँ बताइए। तो विधायक जी ने क्या कहा? अब विधायक जी ने कहा चलो ठीक है, साइन नहीं करते हैं, सोच समझ करें, करें काहे नहीं करें, जो सामने बात हुई तो करें। देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल छोटी बड़ी खबरों, पल पल खबरों के साथ, जानकारी के साथ। रेवसा सीता प्रेम, मैं हूँ प्रेम बाग। ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये जनपद सीतापुर के थाना रेवसा के ग्राम पंचायत विधानसभा श्योता गांव की है, जहाँ पर 20 अक्टूबर 2020 मंगलवार को एक मेला मैदान में नाला और गंदा पानी निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। वो विवाद जिनके बीच हुआ वो मानधाता मौर्य और बाबू राम अवस्थी पुत्र लक्ष्मी नारायण के बीच हुआ, जहां पर मामला ये आरोप लग रहा है, चर्चा का जुबानी बना है कि मानधाता ने मेला मैदान में टीन चढ़ा रखी, कब्जा कर रखा और वहां पर पानी गंदा का नाला और गड्ढा भी खोद दिया, जिसको वहां पे कार्यक्रम होना है, नवरात्रि शारदीय कार्यक्रम जागरण, जिसमें इन लोगों ने प्रधान ग्राम प्रधान वहां पे मिट्टी पटा रहा था, इसी बात को लेकर विवाद उपजा, दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। सबसे बड़ी बात हम ये आ रही कि वहां पर पुलिस के सामने दबंगों के हौसले बुलंद थे, मारपीट की और गंभीर पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पर मामला श्यौता भी विधायक के पास हटा और पुलिस के पास हटा।